नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी बिहार SSC में बहुत सारा सीट खाली है, उसके लिए आज बहुत सारे लड़के बिहार SSC आयोग गए हुए थे, जो काउंसलिंग करवा चुके हैं और जिनको वे लोग वेटिंग लिस्ट का डिमांड करने के लिए गए हुए थे। और बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो सेकेंड लिस्ट का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले कि इसमें जो गलती किसकी है, तो ये सब गलती आयोग की है। आयोग जो है आपको ओवरऑल जितना सारा सीट खाली है उसको फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो लड़का भी एक तरह से कहिए कि दो खेमों में बट गया है। कुछ लड़का जो काउंसलिंग के लिए जो है डिमांड कर रहा है सेकंड काउंसलिंग लिस्ट का, दूसरा खेमा है जो वेटिंग लिस्ट का डिमांड कर रहा है। और एक चीज़ स्पष्ट किया हुआ है बिहार SSC अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले ही, कि ना हम वेटिंग लिस्ट देंगे और ना ही जो जिस सीट पे जो है अभी केवल 177 सीट का जो है बात हो रहा है, कि इसमें बहुत सारा ऐसा सीट है जिसमें टेक्निकल जो है चीज़ मांगा गया है, टेक्निकल नॉलेज मांगा गया है। जैसे टेक्निकल नॉलेज में जैसे टाइपिंग का नॉलेज हो गया, या आपको हो गया ये स्टेनोग्राफी का नॉलेज हो गया, तो उसमें बहुत सारा लड़का क्वालिफाई नहीं कर किया है, जिस कारण से जो है 1778 जो सीट है उसको जो है बैकलॉग ले जाने की तैयारी में है। बैकलॉग में यानी कि जो अगला जो वैकेंसी आएगा उसमें ले जाने की तैयारी में है आयोग। लेकिन जानते हैं दोस्तों क्या है, सो कि पिछला 8 साल हो गया इस वैकेंसी का, इस वैकेंसी के बहुत सारे लड़के जो ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनका एज जो है दूसरे किसी वैकेंसी में नहीं होगा, वो उनका एज ख़त्म हो गया होगा, वे भर भी नहीं सकते हैं और पूरा उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि नहीं हमको बिहार SSC में जाना है, बिहार SSC में जाना है, इसमें बिहार का जॉब है, उसके लिए मेहनत भी किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है या तो मतलब काउंसलिंग करवाए हैं या काउंसलिंग नहीं करवाए हैं जो अभी है। यानी कि कुछ लड़के जो काउंसलिंग नहीं करवाए हैं वे भी अभी वेट कर रहे हैं, और जो लड़के काउंसलिंग करवा लिए हैं 1778 सीट के लिए, वो भी लोग अभी वेट कर रहे हैं। तो अब इसमें मामला ये है दोस्तों, आप लोग सारा मामला जो है समझ रहे होंगे। इसमें आयोग को जो करना चाहिए, अब इसमें संदीप सौरव जी भी जो है अपना हस्तक्षेप किए हुए हैं, हस्तक्षेप ये किए हुए हैं कि वे लेटर के माध्यम से पूछे हैं बिहार SSC से कि आपके पास कितना सीट खाली है, कितना। सबसे पहले तो संदीप सौरव जी ये बहुत ही बढ़िया काम किए हैं, ये खास करके कि पहले वे ये जानने की कोशिश किए हैं कि कितना सीट खाली है, कितना सीट जो है मतलब जो पिछला जो वैकेंसी हुआ है CGL ये बिहार SSC इंटर लेवल में, फर्स्ट इंटर लेवल, उसमें कितना सीट अभी खाली है, कितना सीट अभी भरा है, उसके बाद कितना सेकेंड लिस्ट के लिए जो है सीट और खाली है। तो ये सारा चीज़ जानकारी जो है मांगे हैं अपने लेटर के माध्यम से। सामान्य प्रशासन आयोग को लेटर दिए और सामान्य प्रशासन आयोग से लेटर चला गया है बिहार SSC में। लेकिन ये बिहार SSC ऐसा है कि उसके कान पे जो है जो क्या बोलते हैं, कान में तेल डाल के सोया हुआ है। अभी तक उसको ये पता नहीं चल रहा है कि हम इसका जवाब क्या दें ना दें, अभी तक जवाब भी जो है वो सौंपा नहीं है। जैसे ही जवाब चला जाएगा तो हमको उम्मीद है कि जो विधायक साहब हैं संदीप सौरव जी, वो अपने अकाउंट से वो बता देंगे, मतलब फेसबुक के माध्यम से या किसी तरह से वो बता देंगे कि हाँ कितना सीट खाली है, क्या है। नहीं तो वो जब लेटर जारी करेगा बिहार SSC तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ कितना सीट खाली हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत सारा लड़का ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों। हम तो ये कहेंगे कि बिहार SSC को दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा है, थोड़ा पूरा देखिएगा, बिहार SSC को सबसे पहले जो है जितना सारा सीट खाली है ये सब तो बताना ही चाहिए, उसके बाद जो है जितना सारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, जितना सारा अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, बहुत सारे लड़के जो है उसके मन मुताबिक जॉब नहीं मिला है, तो लड़के जॉब को जो है छोड़ दिए हैं, यानी कहिए कि ज्वाइन नहीं किए हैं। तो जब ज्वाइन नहीं किए हैं उस पर भी जो है बहाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सारा सीट जो है इसी तरह से जो है बैकलॉग में या आने वाला वैकेंसी में चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। एक तो वो होना चाहिए, और जितना सारा अभी जो सेकेंड लिस्ट भी देने का जो चर्चा चल रहा है, तो मतलब हम तो ये कहेंगे कि जितना सारा सीट जो अभी खाली हो रहा है, जो लड़का नहीं भरा है, जितना फिजिकल का सीट खाली है
उन सभी सीटों को इसी लड़का के, यही जितना सारा लड़का है, इन सभी लड़कों के माध्यम से जो है उसको सीट को फुलफिल कराना चाहिए। और इसके लिए जो है संदीप सौरव जी को भी आगे आना चाहिए। वे सिर्फ एक ही साइड से जो है, मतलब एक ही तरह के बात ना करें, वो हम यही कहेंगे कि जितना सारा सीट है, जैसे अभी वो लेटर के माध्यम से ये बताना चाहे हैं कि वेटिंग लिस्ट का भी जिक्र किए हैं, उसके बाद सेकंड लिस्ट का भी जिक्र किए हैं, तो ये सही है। और दूसरा चीज़ है कि जितना सारा जो मतलब हम ये कहें कि जो भी मेरिटोरियस, जो अपने मेरिट के आधार पे जो लड़का काउंसलिंग कराए हुए है या जो अभी काउंसलिंग से बाहर है लेकिन उसका जो है किसी न किसी कारणवश नहीं आया है रिजल्ट, तो उन सभी को भी एक जितना जो है सीट है, मतलब मान लेते हैं फिजिकल का सीट है खाली जो रह गया, उस पर भी जो है एक सेकेंड लिस्ट देना चाहिए और उस पर फिजिकल कराना चाहिए आयोग को, जिसमें इन लोगों को, इन नेताओं को बाहर, मतलब इन नेताओं को जो है बाहर आना चाहिए अपने घर से, इनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। एक तरह से कहिए कि सरकार में है तो आवाज़ क्या उठाना चाहिए, आप जो है जाइए अध्यक्ष सचिव से बात कीजिए, जैसे आप बात करते हैं बार बार जा करके, वैसे बात कीजिए और उनसे बोलिए कि ऐसा ऐसा कीजिए, क्योंकि देखिए ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा काम इसमें जो बिहार SSC में हुआ है वे सिर्फ नेताओं के माध्यम से हुआ है, वो नेता जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे आयोग किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि नया NCL के लिए जो है आयोग मान नहीं रहा था, लेकिन किसी न किसी रूप में एक तरह से कहिए कि नया NCL ही लिया गया है, पुराना NCL को नए तरीके से बना के, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जो हुआ। तो फिर हम ये उम्मीद करते हैं इन नेताओं से कि अब तो सरकार में भी आ गए हैं ये लोग, पहले जो है सरकार में नहीं थे तो बोलते थे, तो अभी सरकार में भी आ गए हैं तो इस माध्यम से जो है अपने YouTube वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं कि उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। इसमें 13,120 अगर सीट है तो 13,120 अभी मुश्किल से, दोस्तों जानते हैं 11,000 है, मुश्किल से 9,000 सीट अभी फुलफिल होगा इस जो मेरिट लिस्ट आया है उसके आधार पे बोल रहे हैं। 9,000 से एक भी सीट आपका जो है फुलफिल नहीं होने वाला है, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि अभी 4,500 के अप्रॉक्स जो सीट है उन सभी सीट को भरने के लिए सबको आगे आना चाहिए। ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि जितना सारा कैंडिडेट को जो एग्ज़ाम दिया है उसका मार्क्स शो करे, उसका हर चीज़ एक एक चीज़ जो है वो शो करे आयोग कि आखिर जो है किसका कितना नंबर आ रहा है कितना नंबर नहीं आ रहा है, तो टोटली जो है ओवरऑल जितना सारा प्रोसेस है उसको फिर से कंप्लीट करे। मतलब उसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जिसका जो मेरिटोरियस जो लड़का है जो मेरिट के आधार पे गया हुआ है वहाँ पे 13,120 जो सीट है उसको फुलफिल होना चाहिए। ये नहीं कि आप दाएं बाएं से किसी को फिर से जो है घुसाने वाला काम कीजिए या मतलब इधर उधर का खेला मत कीजिए। और हम यही कहेंगे दोस्तों कि सभी लड़के को जो है जागरूक रहिए। अब बहुत सारे लड़के ये पूछते हैं कि सेकेंड लिस्ट भैया कब आएगा कब आएगा, तो यार एक्चुअल में क्या है ना कि सेकेंड लिस्ट के लिए हम एक बार बात किए थे तो बोला कि दीपावली के आसपास तक जो 177 कुछ उसमें सीट और ऐड करके जो है दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई सूचना आया नहीं है। देखिए हो सकता है कि 2-4 दिन में आ जाए तो अच्छा है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर जो है जैसा लड़का सब आज गया हुआ था हंगामा करने के लिए फिर वैसा ही हंगामा सब करेगा। तो इसलिए दोस्तों हम यही उम्मीद करते हैं बिहार SSC से कि जितना 13,100 सीट है उसको फुलफिल किया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।